ये है ट्रेनिंग का गेम प्ले। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, मैं ट्रेनिंग में खेल रहा हूँ, मेरा वन टैप जो है कनेक्ट ही होते जा रहा है। बट अभी आप देखोगे तो मैं रियल गेम खेल रहा हूँ और इधर मैं हगे ही जा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है जब हम लोग ट्रेनिंग खेलते तो इतना ज्यादा वन टैप और हेडशॉट क्यों कनेक्ट होता है? बट वही कभी हम लोग रियल गेम खेलने जाते हैं, जैसे कि हम लोग किसी भी बंदे के साथ 1v1 करने जाते हैं या कोई रैंक मैच रहता है या कोई टूर्नामेंट मैच रहता है, तो आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो, वन टैप तो बहुत दूर की बात है, इधर हेडशॉट नहीं लगता है। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या रहस्य है कि ट्रेनिंग में इतना ज्यादा वन टैप क्यों लगता है? तो आज की वीडियो में सब कुछ बता रहे हो कि ट्रेनिंग में इतना ज्यादा वन टैप क्यों लगता है, और आप जैसे ट्रेनिंग में वन टैप मार देते एकदम इजिली, वैसे ही कैसे रैंक में मतलब जो रियल गेम होता है उसमें कैसे वन टैप या हेडशॉट से किसी भी बंदे को कैसे मार सकते हो। और ये भी बताने लो कि ट्रेनिंग में इतना ज्यादा वन टैप क्यों लगता है, आखिर वजह क्या क्या रहस्य है, सब कुछ आज की वीडियो में बताने लो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखो इस ग्राफ को, ऑलमोस्ट 84% बंदे लोग वीडियो रेगुलर देखते बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, और बस 15% बंदे लोग ने चैनल को सब्सक्राइब किया। प्लीज जल्दी सपोजिट करो इसको, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं छोटे सिंटो के बाद। तो गाइस सबसे पहले हम लोग रहस्य सॉल्व करेंगे कि ट्रेनिंग में इतना ज्यादा वन टैप क्यों लगता है, आखिर वजह क्या है, क्या रहस्य है, सब कुछ हम लोग जानेंगे। ज्यादा ही एक्टिंग कर रहा है, रहस्य क्या होता है, एक सेकंड गूगल पे सर्च करता हूँ। रहस्य मिस्ट्री, मतलब एकदम सही बोल रहा था मैं, मेरे को फालतू का अपने ऊपर डाउट रहता है यार। ज्यादा ही एक्टिंग हो गया, बंद करते। तो गाइस हम लोग कंटिन्यू करते कि ट्रेनिंग में इतना ज्यादा वन टैप क्यों लगता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग में जैसे आप वन टैप दे देते एकदम इजीली, हेडशॉट मार देते एकदम इजीली, वैसे आप रियल गेम में कैसे हेडशॉट दे सकते हो, वन शॉट कैसे दे सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते कि ट्रेनिंग में इतना ज्यादा वन टैप क्यों लगता है। तो सबसे पहली चीज जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वन टैप लगता है वो है गाइस फ्री होके खेलना, मींस आपको ऊपर कोई भी दबाव नहीं रहता, जैसे कि रैंक माइनस होने का, और हार जाओगे तो कभी कभार क्या होता है कि कस्टम में बंदे लोग चिढ़ाते गाली देते, ये सब कुछ भी टेंशन नहीं होता, एकदम फ्री होके खेलते हो, इसीलिए आप अपना रियल गेम प्ले दिखा पाते हो। तो ये पहली वजह जिसकी वजह से ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा वन टैप लगता है, जो कि है प्रेशर, किसी चीज का प्रेशर नहीं रहेगा आपके ऊपर, नहीं रैंक का, नहीं हार जाने का, तो कोई बंदा आपको चिढ़ाता है, कोई गाली देता है, ये सब का कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा आपको। अभी बात करते हैं दूसरी चीज जिसकी वजह से ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा वन टैप लगता है, और ये आप लोग ने नोटिस किया होगा, वो है गाइस एनिमीज किसी और बंदे को मारता रहता है। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि एनिमीज किसी और बंदे को मार रहा है, मैं पीछे से आया उसको वन टैप दे दिया, इसका मतलब ये है कि एनिमीज किसी और बंदे के ऊपर फोकस था, ठीक है, मेरे ऊपर फोकस नहीं था वो, अगर मेरे साथ फाइट करता तो पूरी तरह से मेरे ऊपर ध्यान देता, मेरे को टफ देता था थोड़ा सा, बट वो किसी और बंदे को मार रहा था तो मैं पीछे से आके एकदम इजिली उसको मार दिया। और ये जो दूसरी वजह मैंने आपको बताया, इस वजह से सच में बहुत ज्यादा वन टैप लगता है, क्योंकि इसमें जो है एनिमीज आपके ऊपर फोकस नहीं रहता है, किसी और बंदे को मारता रहता है पीछे से आके मार देते हो, क्योंकि एकदम इजी हो जाता है किसी भी बंदे को पीछे से मारना, क्योंकि बंदा एकदम स्टैंड पोजीशन में रहेगा, तो रनिंग में रहेगा, वो आपके ऊपर फोकस ही नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि वो बंदा आपको डैमेज देगा या आपको मार भी सकता है, इसलिए पीछे से आते एकदम इजीली वन टैप लगता है। उस टाइम पे देखना आपका वन टैप भी बहुत ज्यादा कनेक्ट होगा, आपका गोली कभी कभी बॉडी के ऊपर एनिमीज के कनेक्ट होगा, हेड पे ज्यादा कनेक्ट होगा। अभी बढ़ते हैं गाइस तीसरी वजह की तरफ, इस वजह से भी बहुत ज्यादा वन टैप लगता है, वो है अटैचमेंट्स, मींस आप कभी भी ड्रैगनो से या वुड पेकर से या एबीसीडी वाला जो अभी न्यू गन आया जो भी नाम है उसका, उससे अगर आप वन टैप मारते हो तो उसमें फुल अटैचमेंट्स आप लगा के जाते हो, वैसे ही मानने जाओगे वन टैप तो नहीं लगता किधर भी। अगर आप रियल गेम खेलते हो, मींस रियल रैंक गेम खेलते हो, तो आपका देखना उधर हेडशॉट बहुत ही कम कनेक्ट होंगे, वन टैप तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि रैंक गेम में कोई वन टैप ले नहीं जाता, ज्यादातर हेडशॉट के ले जाते हैं तो भी हेडशॉट नहीं कनेक्ट होता है, क्योंकि अटैचमेंट्स नहीं रहते आपके पास, बट ट्रेनिंग में हर एक अटैचमेंट्स आप लगा के फिर जाते हो वन टैप देने को, हेडशॉट मारने को, तो एकदम इजीली वन टैप लग जाता है, हेडशॉट लग जाता है। आप लोगों ने नोटिस भी क्या रहेगा कि ट्रेनिंग में आपका जो गोली कम रिक्वायर मारता है, क्योंकि आप हर एक अटैचमेंट्स एकदम मैक्स लेवल के लगा के जाते हो। अभी बिना टाइम के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जान लेते हैं, जैसे आप ट्रेनिंग में वन टैप हेडशॉट दे देते हो वैसे रियल गेम में कैसे दे सकते हो। जैसे कि आप किसी बंदे के साथ 1v1 कस्टम कर रहे हो, उधर आकर आपको किसी भी बंदे को वन टैप देना तो कैसे दे सकते हो,
सबसे पहली बात, आप फ्री होके खेलो, टेंशन मत रखो किसी चीज का, एकदम फ्री होके खेलो, जैसे आप खेलते हो वैसा खेलो, हारो जीतो उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, और ऐसे बंदे के साथ बिल्कुल भी 1v1 कस्टम मत क्या करो, जो बंदा हारने के बाद आपको चिढ़ाए, गाली दे, ऐसे बंदे के साथ बिल्कुल भी मत खेला करो। ऐसे बंदे के साथ खेलोगे तो हार भी जाओगे तो आप गाली सुनोगे, जीत भी जाओगे तो गाली सुनोगे, तो इसीलिए ऐसे बंदे से दूरी बनाए रखो, ज्यादा कटाए। अभी बात करते हैं दूसरी चीज, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप रैंक में हेडशॉट एकदम इजीली मार पाओगे, वो है गाइस आप जब भी लॉन्ग रेंज वाला गन चलाते हो तो उसका अटैचमेंट्स, पहली बात तो आपके पास होना चाहिए सब अच्छा अटैचमेंट्स, फिर आप किसी भी बंदे से फाइट क्या करो। दूसरी चीज ये कि आप कंटिन्यू फायरिंग मत क्या करो, रैंक में भी कंटिन्यू 5 नहीं तो 7 गोली चलाओ, उसमें ज्यादा हेड कनेक्ट होते हैं और गोली भी कम रिक्वायर मारता है, जैसे क्या बैगों में देख सकते हो। तो चलो गाइस आज की वीडियो में, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो जैसे कि सब्सक्राइब कर देना, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ और हम लोग बहुत ज्यादा 5 से 7,000 फॉलोअर्स के, तो जिसे जिसने फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर सकते। चलो गाइस आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।